आम आदमी पार्टी ने आज हिमाचल की जनता को पहली गारंटी दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिमाचल की जनता को दी शिक्षा की गारंटी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और हिमाचल के आप प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर भी मौजूद रहे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भाजपा का खेल खत्म होने वाला है। जनता को मजबूरी में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा को चुनना पड़ता था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने विकल्प है। हम दोनों, मैं और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, हिमाचल में आए हैं और हिमाचल की जनता के बीच, हिमाचल के भविष्य के लिए, हिमाचल के बच्चों की तरक्की के लिए, हिमाचल के परिवारों की तरक्की के लिए केजरीवाल जी की तरफ से 5 शिक्षा गारंटियां हमने रखी हैं। इस अपील के साथ हिमाचल की जनता से कि आप इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करें, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हिमाचल प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा आम आदमी पार्टी की सरकार दिलवाएगी। केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। केजरीवाल जी की गारंटी है कि दिल्ली की तरह हिमाचल प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों की फीस नाजायज रूप से नहीं बढ़ने दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सभी कच्चे शिक्षकों को पक्का किया जाएगा और शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाएंगे और शिक्षकों को शिक्षण के अलावा और कोई काम नहीं दिया जाएगा। ये केजरीवाल जी की 5 गारंटियां हैं जो हम दोनों आज माननीय भगवंत मान जी के नेतृत्व में यहाँ रखने आए थे हिमाचल की जनता के बीच, और हमको पूरी उम्मीद है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हिमाचल की जनता इस बार झाड़ू पे वोट करेगी, आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। एक विनती मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी करना चाहता हूँ, आप सरकार में हैं, देश में भी सरकार में हैं, राज्य में भी सरकार में हैं, ये जो शिक्षा जैसी चीज़ें हैं आप इनको फ्री की रेवड़ियाँ कह के इनका मजाक मत उड़ाइए। आपके लिए फ्री की रेवड़ियाँ हैं, केजरीवाल जी के लिए गारंटियाँ हैं और आम आदमी के लिए, आम आदमी के बच्चों के लिए भविष्य की उज्जवल होने की गारंटी है। अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, तो हर परिवार का और हर राज्य का भविष्य सुधरता है, तो इसलिए इनका मजाक मत उड़ाइए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मॉडल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 5 महीने में पंजाब की जनता ने प्रदेश में बदलाव होता हुआ देखा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता से बदलाव का आह्वान किया है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में लोगों को जो वायदे किए थे वे धीरे धीरे पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कभी झूठे वादे नहीं करती। झूठे वादे नहीं करते हम, दावे नहीं करते हम, गारंटी देते हैं। गारंटी मीन्स कि इस काम की गारंटी है, ये होगा। अभी 5 महीने हमारी सरकार को हुए हैं पंजाब में, तो हमने बिजली वाली गारंटी जो है वो पूरी कर दी, हमने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कर दी, वो गारंटी पूरी कर दी। गारंटियों के बिना भी जो करप्शन में या फिर जो ज़मीनें रसूखदार लोगों ने नजायज कब्जा कर रखा था वो छुड़वा रहे हैं। तो जितनी भी गारंटियाँ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दी वो पूरी करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे, जितना पैसा हमारे पास रेवेन्यू का आता जाएगा, क्योंकि हम लीकेज बंद कर रहे हैं। जितना बजट में वृद्धि होती जाएगी, खजाने में पैसा आता जाएगा, उतना ही पैसा हम लोगों पर खर्च करते रहेंगे। लोगों का पैसा लोगों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूलों के रूप में, फ्री बिजली के रूप में, इलाज के रूप में, किसी न किसी तरीके से अगर लोगों के पास जाता है तो इसको मैं फ्री भी नहीं कहूँगा, इसको कोई रेवड़ी नहीं कहूँगा, ये लोगों का हक है। डेवलप कंट्री हैं कनाडा अमेरिका, वो भी कैश पैसे जो है उन्होंने कोरोना के समय भी कैश पैसे अकाउंट में डाले, वहाँ इसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, यहाँ इसको फ्री भी क्यों कहते हैं? लोगों का पैसा है जो पहले नेताओं की जेब में जाता था, अब वो वापस लोगों के पास जाएगा किसी न किसी रूप में। बिल्कुल पंजाब में भी ये, मैं खुद एक टीचर का बेटा हूँ, मुझे पता है मेरे डैडी की ड्यूटी कहाँ लगती थी कि आपने जनगणना भी करनी है, आपने अभी ये सरकार की कोई स्कीम आई है उसके मुताबिक आपकी ड्यूटी वहाँ लग गई, इलेक्शन करवाना है आपने, फिर वोटों की गिनती करनी है, अभी कोरोना में बॉर्डर पे ड्यूटी लगाई गई थी टीचरों की कि आपने चेक करना है कोई कोरोना
जो पीड़ित है वो इधर ना आ जाए, तो ये काम तो टीचरों का नहीं है ना। तो दिल्ली में जैसे किया इन्होंने, मनीष जी ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, कि टीचरों को पढ़ाई के सिवा और कोई काम नहीं, वही हम पंजाब में कर रहे हैं। हमसे अभी आने वाले दिनों में सेंसस होगा, 2021 का कोरोना की वजह से 2022 तक आ गया वो, अभी आने वाले दिनों में जनगणना होगी, तो हमसे 68,000 शिक्षक मांगे गए हमसे कि आप हमें दीजिए, हमने जनगणना करनी है। हमने कहा जी हम अपने टीचरों को नहीं दे सकते, आप ऐसा कीजिए हम आपको पढ़े लिखे युवा MSc MA MTech PhD लड़के लड़कियां देते हैं उनको एक डेढ़ महीने की। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब